अस्सलाम वालेकुम गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप यू डूइंग वेल। आपकी ओर से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मेरी सुबह सुबह हो गई है 6 बजे और किचन में बन रहा है नाश्ता, तो मैं दिखाती हूँ कि किचन में नाश्ता क्या बन रहा है। किचन में आई हूँ तो बन रहे हैं पराठे, ये बन रही है चाय, ये हो रही है दाल गरम। और आज मैं भाई इनको मुझसे शिकायत है, मैंने फर्स्ट टाइम आटा गूंदा था, वो आटे में पानी ज़्यादा हो गया था, तो वो आटा क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा पतला हो गया, इसलिए मुझसे सही बिल नहीं रहा। तो मुझसे गलती हो गई इस दफा, चले मैं आप सॉरी करती हूँ। ये कुछ मौसम हो रहा है सुबह 6 बजे का और बहुत हसीन मौसम हो रहा है। ये मेरे हमदान है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, इधर आए ना, इधर आए, गुड मॉर्निंग, हाय गाइस। इनको तो स्कूल जाना नहीं है, तो ये अपनी नींद फ्रेश करके, अपनी नींद ले के अच्छे से फ्रेश हो के उठें, और अब मैं तैयारी करूँगी स्कूल जाने की, नाश्ता करते हैं और फिर स्कूल जाने की तैयारी करते हैं। पराठा रेडी हो रहा है और ऑलमोस्ट चाय भी रेडी हो रही है। चाय की मैंने आज धीमी की हुई, आज थोड़ी तेज़ करूँगी तो चाय भी रेडी हो जाएगी। हमारा पराठा बन रहा है जो बहुत गुस्से से बना जा रहा है क्योंकि मैंने आटा सही नहीं गूंदा था इस दफ़ा। आप लोग गली का भी मौसम देख सकते हैं, गली का व्यू मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक ना वो था, मतलब ऐसा क्या बोलेंगे, वो जो होता है ना, वो जैसे वहाँ लगा हुआ है, वहाँ जो लगा हुआ है ना, यहाँ भी ऐसा ही था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो वो कटा है सुबह, तो जब वो कल, मतलब कल सुबह जब कटा तो मुझे बड़ा मतलब अजीब लगा कि गली इतनी खाली खाली कैसे, तो मुझे पता चला ये तो कट गया है। तो मुझे किचन से आवाज़ आ रही है, मैं किचन में जाती हूँ। बताया था मुझे किचन से आवाज़ आ रही है, तो मुझे पता लगा कि यहाँ पराठे दोनों रेडी हो चुके हैं, ऑलमोस्ट चाय भी बन चुकी है। ये बनाई किसने वैसे? तुमने बनाई और किसने बनाई? चाय मैं बनाती हूँ। और ये बहुत काली चाय बनाई है तुमने, इतनी अच्छी चाय बनाई ना, आप लोग कॉमेंट में बताइएगा कैसी बनी है चाय। और यहाँ हमारी दाल भी गर्म हो चुकी है, अब हम मिलते हैं नाश्ते पे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सुबह सुबह का वक्त है, मानो स्कूल जाने की तैयारी कर रही है, तो आज मैंने इनको नाश्ता बना के दिया। मैं तो रोज़ चाहती हूँ नाश्ता करके जाएँ, लेकिन ये कुछ खाना ही नहीं चाहती हैं सुबह सुबह। मेरा भी कुछ यही हाल होता था कि मैं भी जब स्कूल जाती थी तो अम्मी पीछे पीछे जो है वो बाइट्स लेके आ रही होती थी, लेकिन मैं कुछ नहीं खाती थी। तो ये होता है बच्चों का, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि मॉर्निंग में आपको निहार मुखर से नहीं निकलना चाहिए। तो चलें पराठे बनाए हैं और नाश्ता स्टार्ट भी कर दिया इन लोगों ने, मैं दिखाती हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने 2 पराठे बनाए हैं और ये हमारी रात वाली दाल और चाय। और रात हमने बनाया था रायता जो कि बहुत टेस्टी बना था, तो ये बचा नहीं बिल्कुल भी, तो मैंने बोला मानो से जो भी है ले आओ, इसमें हम लगा के खा लेंगे। तो हम करते हैं नाश्ता और नाश्ते के बाद मिलते हैं आपको। मेरी चाय थोड़ी काली है लेकिन मैं दूध चाय में बहुत कम पीती हूँ। तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। अस्सलाम वालेकुम नहीं आया ना आपको करना? अस्सलाम वालेकुम। और ये भी जाग रहे हैं और सुबह सुबह का वक्त हो रहा है, कोई 7:15 का, तो अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह सब उठे हुए हैं, नाश्ता करेंगे और मैं बिल्कुल नहीं सोई हूँ। मैं और हमदान मानो हम लोग बिल्कुल नहीं सोए, तो आज हम रूटीन बहुत आउट हुई हुई, आज कोशिश करेंगे कि हम ना ही सोएँ ताकि हम रात में जल्दी सो जाएँ। नाश्ता करते हैं, नाश्ते के बाद आपसे मिलती हूँ। नाश्ता हमारा डन हो चुका है और अब मानो स्कूल जाने की तैयारी करेंगी। और मैं बर्तन वर्तन सब वॉश करके आ गई और ये हमदान ने बहुत सताया हुआ है, मुसलसल शरारतें, मुसलसल डे बाई डे हमदान की शरारतों में इजाफा होता जा रहा है, जो कि मुझे बहुत प्यारी लगती है और कभी कभी गुस्सा भी आता है। इसे चाय बाय बाय। तो मेरा फ़ोन बिल्कुल भी चार्ज नहीं है, अब मैं करूँगी मोबाइल चार्ज। और मानो स्कूल जा रही है, मैं मिलवा देती हूँ और मानो के जाने के बाद हम सोएंगे और सो के उठ के हम व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। तो आपको अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और व्लॉग आपने पूरा देखना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप लोगों को पता चल सके। तो चलें मैं दिखाती हूँ मानों को, और लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर दीजिए, थैंक यू। और यार लोग देख सकते हैं कैमरा इतना धुंधला, पता नहीं क्यों हो रहा है। टाइम बताएंगे मुझे, कैमरा इतना धुंधला क्यों हो रहा है? हाँ अब हो गया कैमरा साफ। तो
तो मानो रेडी हो चुकी हैं और स्कूल जा रही हैं। इनकी वॉच में कुछ मसला आ चुका है जो कि सही करें। दिखाओ मुझे, टाइम बताएं मुझे। 7:15 हो रहे हैं। क्या हुआ है दिखाओ। 7:15 हो रहे हैं। इस पे 4:30 क्या हुआ है? 4:30 हो रहे हैं और मैंने अभी ठीक करके रखी थी। चलें, मेरा फ़ोन बिल्कुल चार्ज नहीं है, बार बार ब्लिंक हो रही है लाइट। तो अब मैं सोंगी अमदान को लेके, माना स्कूल जा रही है, जब माना आ जाएंगी तभी मैं सो के उठूँगी, जहर पढ़ेंगे और उसके बाद ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। कम बैक और स्कूल जाके मैं सो गई थी, सो के अभी उठी हूँ और सामान लेने गई हुई थी बाहर, तभी मैंने स्कार्फ वेयर किया हुआ। तो सामान लेने गई थी, खाना बनना है, दिखाती हूँ क्या बनना है। मैंने आप लोगों को दिखाया था ना कि मैं सामान लेने गई थी, बताया था। तो ये मैं चिकन लेके आई हूँ और ये वॉश हो रहा है और मुझे नहीं पता कि वॉश हो गया है और मुझे नहीं पता कि ये इसका क्या बनेगा। ये अब यही बताएंगे कि इसका क्या बनेगा। क्या बनेगा भाई इसका? समझ नहीं आ रहा यार, क्या बनाऊँ? तुम बताओ क्या बनाऊँ, समझ ही नहीं आता। सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है रोज़ रोज जो है ना, वो क्या बनाएगा आज? तुम्हारे नखरे अलग होते हैं, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। मैं कहाँ नखरे करती हूँ भाई, मैं तो ये बोलती हूँ कि बस जो भी बना लेंगे बना लें, खा लेंगे। तो चलें देखते हैं अब इसको, इसकी क्या तैयारी होती है और क्या बनता है। क्या बन रहा है एंड में देखना क्या बन रहा है, मुझे खुद भी पता, मैं बनाई जा रही हूँ, बस क्या बन रहा है नहीं पता। फिलहाल तो प्याज ब्राउन हो रही है और देखते हैं क्या। बनी है कढ़ाई जो कि बनाई है किसने? मैंने बनाई है ये कढ़ाई। अब मैं उस वक्त दिखा नहीं सकती क्योंकि मैं कढ़ाई बना रही थी, सिर्फ भूनी है मामा ने, भून रही थी। तो रेसिपी भी तो मैंने ही बताई है ना। और ये दिखने में तो स्मोक की वजह से शायद नज़र नहीं आ रहा, दिखने में तो बहुत यम्मी टेस्टी और क्या क्या बोलेंगे वो लग रही है। और भूख भी बहुत जोर की लग रही है इस वक्त। कितना टाइम रह गया इसको? लगेगा अभी भूनने के बाद थोड़ी सी देर, आधा घंटा लिमिट। आधे घंटे बाद हमारी कढ़ाई फाइनल हो जाएगी। ये है रेड कढ़ाई, इसको रेड कढ़ाई बोलेंगे मतलब। लेकिन हमने इसमें अचार गोश्त का मसाला डाल दिया। वो तो मसाला आप कोई भी डाल दे, जरूरी थोड़ी ना कढ़ाई में जो मसाला डालता है वही चीज़ बनती है, लेकिन टेस्ट भी उतना ही अच्छा आ रहा है ना। चलो वेलकम बैक। खाना वगैरह हम खा चुके हैं आज, हमने बहुत जल्दी खाना खा लिया क्योंकि सुबह पीछे व्लॉग में आप लोगों ने देख लिया होगा कि बहुत अर्ली मॉर्निंग हमने नाश्ता किया था, फिर हम सो गए थे। मैं तो खैर सो के ही बहुत, मैं भी और सभी हम लोग लेट उठे तो, क्योंकि हमदान और मैं मानो के जाने के बाद सोए थे। तो बस अभी हमने खाना वाना खा लिया, खाना नहीं दिखा सके क्योंकि बस जल्दी जल्दी हो रही क्योंकि देर हो रही है, 8 बज रहे हैं, टाइम यूँ गया यूँ। तो अभी हम जा रहे हैं, मुझे हमदान का दूध वगैरह लेना है, मार्ट जा रहे हैं और सर्फ वगैरह लेना है, घर की थोड़ी सी चीज़ें आएंगी, ज़्यादा नहीं लेना, ग्रॉसरी ज़्यादा नहीं है, एक दो चीज़ें हैं, उंगलियों पर गिनती करके जा रहे हैं। तो जाना ज़रूरी है क्योंकि आज रमदान का दूध बिल्कुल एंड है और लेने जाना ज़रूरी है। मैं तो आज भी टला रही थी क्योंकि जब से मैं सो के उठी हूँ मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है। नींद डिस्टर्ब होती है ना, कि आप रात की नींद, फिर रात की नींद होती है। तो मानो भी रेडी है, रमदान भी रेडी है, आप लोगों को मिलवाते हैं। मानो रेडी है, पता नहीं किस ख्याल में गुम हुई हुई हैं आज, ये बस ऐसे ही रेडी हैं। क्या हुआ मानो? हमेशा ही ऐसी रहना तुम तो, बस सोती हुई। अस्सलाम वालेकुम। हमारे लिए यही काफी है। ये मेरा बेटा तो बहुत प्यारा लग रहा है भाई। अस्सलाम वालेकुम हमदान, हमदान अस्सलाम वालेकुम। अच्छा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कह दें प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम तो आपने किया ही नहीं। और ये माशाल्लाह से, ये मैंने लास्ट ईयर मंगवाया था ड्रेस ऑनलाइन, नाइट दो ड्रेस थे जो ब्लैक देखा था आपने पहना हुआ और ये वाला, तो लास्ट ईयर मैंने मंगवाया था लास्ट ईयर, तो ये बड़ा था हमदान को, देखें खुद खड़ा हो गया दिखाने के लिए। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, ये हमदान की ड्रेसिंग है, तो नाइट ड्रेस ही पहना हुआ है इन्होंने और ऐसे ही इनको मैंने रेडी करवा दिया। तो हम लोग निकलते हैं, फिर आपको वहाँ चल के मिलते हैं।
रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई है। मेरे पीछे पीछे ये दोनों आ रहे हैं चलते हुए। मैं दिखाती हूँ क्या कह दिया। दोनों आ रहे हैं चलते हुए। हमदान ने अपनी ट्रॉली पकड़ी हुई है और हमदान की ट्रॉली में सबसे पहले तो मुझे हमदान का ही दूध नज़र आ रहा है। हाय हाय, कैसे हैं आप? फुल इंजॉय हो रहा है। और ये कुछ मुझे परेशान सी लग रही हैं, इनकी परेशानियत पूछते हैं। मसला हो गया? नहीं नहीं, आज हमारे साथ प्रैंक हो गया है। मसला नहीं, प्रैंक हो गया है। तो वो प्रैंक आपको घर जाके बताते हैं। फ़िलहाल अभी सिर्फ खाने पीने की चीज़ें ली हैं, नीचे सर्फ लिया है। ये बिस्किट मैंने अपनी पसंद का लिया है क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। हमदान का दूध लिया, बाकी जो जो लेते रहेंगे दिखाते रहेंगे। ये अपनी ट्रॉली चलाए जा रहे हैं। चल चल, हमदान कैसे आएंगे अभी चलते हुए? चले 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 कम। ये देखें ये देखें देखें, यहाँ पे अब ये आ गई किचन का सामान लेने। परेशान क्यों है? हमारे साथ ना आज प्रैंक हो गया, वो हम कहाँ बताएंगे, घर पे। हमदान फुल एंजॉय कर रहे हैं और जिस जिसको ये ट्रॉली मार रहे हैं ना उसको कह रहे हैं सऊदी। क्या बोल रहे हैं? सऊदी। मार भी रहे हैं और सऊदी भी बोल रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? हमदान की माशाल्लाह ड्रेस इतना प्यारा लग रहा है ना, मुझे इतना क्यूट लगता है ना, मुझे इतना क्यूट लगता है ना मुझे। ये किसके लिए लिया आपने लेस? मैं कौन सा जीरा लाई थी? वो आई थिंक खुला था, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा थी। उसकी क्वांटिटी ज़्यादा थी, इसकी क्वांटिटी कम है। दिखाएं प्राइस सेम है। ये भी 150 का, वो 150 का, बहुत ज़्यादा था ना भाई। मैं तो, मेरी तो बात ही अलग है ना, जो मैं चीज़ें लेके आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। और ये देखें कहाँ बैठी हुई है मज़े से। क्या खेलना है? कहाँ बैठी हुई हो? और हम किसके घर आए हैं? ये आपको ब्लॉग एंड तक देखना पड़ेगा तो पता लगेगा।